जाति और जनजाति के लिए आरक्षित 11 सीटों पर एससी एसटी वोटर को साधने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने स्पेशल प्लान तैयार किया है। क्या है प्लान, रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में जारी है उपचुनाव का घमासान, सियासी दल प्रचार में झोंक रहे हैं जान। दलित वोटर को रिझाने तैयार किया प्लान, एससी एसटी मतदाता किसका बढ़ाएंगे मान। उपचुनाव के लिए वोटिंग होने में कुछ ही दिन बचे हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों वोटरों को साधने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। 28 सीटों में से अनुसूचित जाति के 9 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। उपचुनाव में एससी एसटी वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस बीजेपी ने स्पेशल प्लान तैयार किया है। 31 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती के जरिए दोनों पार्टियां इन 11 सीटों पर फोकस कर रही हैं। बीजेपी का दावा है कि उसने पंचतीर्थ के संरक्षण का काम किया है। यह है बीजेपी के पंचतीर्थ, महू में बाबा साहब की जन्मभूमि, लंदन में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई में चैत्य भूमि और दिल्ली में महापरिनिर्माण भूमि। वाल्मीकि जयंती पर बीजेपी इस पर फोकस करेगी और अपनी सरकार की उपलब्धियां इस अवसर पर, मोदी सरकार की उपलब्धि है, शिवराज सरकार की रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य संचार, पढ़ाई लिखाई दवाई की जो व्यवस्था हमने अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए की है वो सारे, और उसके साथ में सम्मान का विषय सम्मान का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तमाम पंचतीर्थ पर काम करने का, इन्होंने महू में एक ईंट भी नहीं लगाई थी। ये सारे मुद्दे लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, दलित वंचित वर्ग के बीच में बता रहे हैं कि किस प्रकार कांग्रेस का चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। बीजेपी जहां पंचतीर्थ के जरिए वोटर्स को साधेगी, वहीं कांग्रेस की प्लानिंग बीजेपी के दलित विरोधी चेहरे को उजागर करने की है। वाल्मीकि जयंती के मौके पर कांग्रेस सभी 28 सीटों पर कार्यक्रम आयोजित करेगी जिसमें बड़े नेता भी शामिल होंगे। दमन दलित वर्ग का इसी पार्टी ने किया है, तो किस मुंह से जाएंगे भाजपा इस वर्ग के बीच में, उन्होंने किया क्या है? हमारे पास तो बताने को है कि हमने इस वर्ग के लिए इतने काम किए, इतनी योजनाएं चलाई, इतना इनके वर्ग के लिए हितैषी निर्णय लिए, तो भाजपा किस मुंह से जाएगी ये भाजपा को पता चल जाएगा इस परिणाम। 28 में से 11 सीटें एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है भांडेर, सांची, अशोकनगर, अम्बाह, गोहत, डबरा, करेरा, आगर और सांवेर। तो अनुसूचित जनजाति के लिए अनूपपुर, नेपानगर सीट आरक्षित है। उपचुनाव में अनुसूचित जाति और जनजाति वोटर निर्णायक साबित होंगे, इसको लेकर दोनों दलों ने पूरी तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट।